नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है नेशन नेट 9, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां आज चुनाव आयोग सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। माना जा रहा है कि आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 80 और जेडीयू ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी को बहुमत नहीं मिला था और ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। BS येदुरप्पा CM बने थे। और बात करते हैं गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद की। बता दें कि कल अतीक अहमद को प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अतीक अहमद को अब सड़क मार्ग के जरिए वापस साबरमती जेल लेकर जाया जा रहा है, उसको वही उसी जेल में रखा जाएगा। बता दें कि अतीक अहमद को लेकर 3 वाहनों का काफिला गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हो गया है, जबकि इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई और पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेजा गया है। वहीं अब तक की जानकारी के अनुसार अतीक अहमद का काफिला राजस्थान में एंट्री कर चुका है। UP पुलिस का काफिला राजस्थान के 12 जिले तक पहुंच चुका है। बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी हत्या का प्रयास, गैंगस्टर जैसे संगीन मामलों में 50 से अधिक मुकदमे विचाराधीन है। सभी मुकदमे साक्ष्य के स्तर पर अलग अलग न्यायालय में चल रहे हैं। अगली खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर है, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में कल यानी कि 30 मार्च को केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि करीब 2000 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रम में डिग्रियां दी जाएंगी, जिसको लेकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव सितांशु ने खुद कार्यक्रम तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि दीक्षांत समारोह के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विद्या मातंड मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। अमित शाह 3 अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें वो सबसे पहले पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों के आने की संभावना है। अगर आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का एक अलग ही इतिहास रहा है। इससे पहले दीक्षांत समारोह 2015 में आखिरी बार हुआ था। इसके बाद अब 8 साल बाद यानी 2023 में ये हो रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ही दी गई थी। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी तक दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले चुके हैं। अगली खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर है। बता दें कि आज दिल्ली में जेपी नड्डा बीजेपी के सभी OBC सांसदों के साथ बैठक करेंगे। दरअसल बीजेपी ने पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई है। वहीं बैठक के दौरान इस रणनीति पर विचार किया जाएगा कि चुनावी राज्य में किस तरह से ओबीसी मोर्चा अपना कार्यक्रम चलाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से बीजेपी उनकी टिप्पणी को पूरे पिछड़ा वर्ग के अपमान से जोड़कर नया मैदान से जाने में जुट गई है और ऐसे में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारियों में नजर आ रही है बीजेपी। और बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने देशव्यापी अभियान की रूपरेखा भी इसके लिए बना ली है। अगली खबर कांग्रेस को लेकर है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर आक्रामक तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए पार्टी लगातार बैठक भी कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का एक और प्लान जारी कर दिया है। कांग्रेस आज भी डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड के तहत 31 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहीं वरिष्ठ नेताओं का काम सभी मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें बीजेपी की मनमानी समझाने की कोशिश होगी। ऐसे में कांग्रेस ने 31 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टीम तैयार की है।
अगली खबर गुजरात से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद जाएंगे और इस दौरान वो दोपहर 12:30 बजे गुजरात प्रदेश ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अशोक गहलोत राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बता दें कि सीएम गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा के प्रति अयोग्य ठहराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सदस्यता षड्यंत्र पूर्वक समाप्त की गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, ये एक षड्यंत्र के द्वारा किया गया। अगली खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मंगलवार को सदन की बैठक में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी की ओर से प्रस्ताव पर चर्चा कराने के संबंध में जानकारी दी। बीजेपी सदस्यों ने बजट से पहले विधानसभा अध्यक्ष को केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि बजट के बाद नियमों के तहत इस पर विचार किया जाएगा। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने नियम 280 के तहत विधायकों की ओर से क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। इससे पहले सदन में अडानी मामले पर भी चर्चा की गई, लेकिन इस मामले में विधायक मदन लाल की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने पर बीजेपी सदस्यों की ओर से आपत्ति जताई गई। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल आएगा अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ने मंजूरी से दे दी है। खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां आज हेट स्पीच को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बीते दिन जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीपी नागरत्ना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील निजाम पाशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र में कई और रैलियां निकाली गई हैं जिनमें भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, ये कोर्ट की अवमानना का मामला है। वहीं पाशा ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि वहां 50 से ज्यादा रैलियां निकाली गईं। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले की सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बहस नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में कितनी FIR दर्ज की गई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि 18 मामले दर्ज किए गए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कुशीनगर के लिए रवाना होंगे। अगर सीएम योगी के दौरे को लेकर बात करें तो सीएम योगी आज गोरखपुर में जनता दर्शन के बाद सुबह 10 बजे कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां जिले के खड्डा तहसील में करीब 2,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद दोपहर 1:30 बजे कुशीनगर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 2:45 बजे सीएम योगी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक में वो शामिल होंगे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर रामनवमी पर श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इस साल 30 मार्च रामनवमी के मौके पर यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट श्रद्धालुओं को महज 3,000 रुपए में हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक भ्रमण कराया जाएगा, यूपी टूरिज्म ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। यूपी टूरिज्म ने ट्वीट कर लिखा कि रामनवमी के पावन मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन केवल 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति अयोध्या के हवाई दर्शन कर एक नवीन अनुभव प्राप्त करें। श्रद्धालु रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हेलीकॉप्टर से अयोध्या के दर्शन कर सके। सरयू अतिथि गृह काउंटर से आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। हवाई दर्शन का स्थान सरयू अतिथि गृह अयोध्या है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 1500 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के 2,000 मामलों में 400 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि व्यापारियों के खाते में डालेंगे। कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय के समत्व सभागार में सुबह 12:45 बजे से होगा। कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी शामिल होंगे। प्रदेश के औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि और हितलाभ वाले उद्यमी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। आपको बता दें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के डेवलपमेंट के लिए साल 2021 में लागू की गई एमएसएमई पॉलिसी में बीमार इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए आर्थिक मदद मुहैया की जाती है। एक बार फिर से बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज दोपहर से
48 घंटे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। सीएम ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल की योजनाओं के पैसे नहीं दे रही है। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही है जिसे इस साल भी 100 दिन के काम के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बावजूद फंड नहीं आया है। सीएम ममता ने कहा कि ऐसा लगता है कि जीएसटी का समर्थन करके गलती करती है। वहीं टीएमसी के सभी सांसद भी लोकतंत्र, संघवाद और संसद बचाओ के मुद्दे को लेकर आज सुबह 10 बजे संसद भवन में अंबेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज अभिषेक बनर्जी को शहीद मीनार मैदान में सभा करने की सशर्त अनुमति दी है। ये सभा टीएमसी के युवा और छात्र संगठनों की ओर से बुलाई गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभा के समय संवेदनशील क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरे से कवर करना होगा और वहां पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अदालत को उम्मीद है कि तृणमूल से जुड़े छात्र और युवाओं की ओर से अशांति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सभा में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न होना चाहिए। सभा के बाद सभास्थल की सफाई करनी होगी और सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी होगी। बता दें कि बकाया डीए की मांग पर उसी जगह धरना दे रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठनों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। चलिए बात करेंगे पंजाब की, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में लापता बच्चों की तलाश के लिए चैटबोट हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने महिला और बच्चों की एक साथ मदद के लिए स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि बच्चा गुम होने या खोया हुआ कोई बच्चा मिलने पर चैटबोट हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देकर पुलिस से मदद मिल जाएगी। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने पुलिस पब्लिक के बीच की दूरी को घटाने का प्रयास जारी रखने की बात कही। सीएम मान ने कहा कि प्रदेश में बच्चों को अगवा कर दिव्यांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने वाले गैंग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे लापता होने की घटनाएं फरीदकोट में ज्यादा आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के डिजिटल होने से वर्किंग में राहत मिल सकेगी। खबर अब छत्तीसगढ़ से है, जहां पर लगातार हो रही ईडी की रेड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। ईडी की रेड के लिए सीएम बघेल ने बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जहां छापा नहीं डाला गया। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अगर कहीं ईडी की कार्रवाई नहीं होती तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्य है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहां पर ऐसा लगता है कि ईडी का ऑफिस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब तक उद्धव सरकार थी तब तक ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियां सक्रिय थी। जैसी सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से ईडी का वहां पर कोई काम नहीं रह गया। खबरों में रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां पर आज शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक शाम 4:30 बजे राज्य सचिवालय में होने वाली है। इस बैठक में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाने की मंजूरी सहित कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। इससे संबंधित विधेयक को लाने की मंजूरी इस बैठक में दी जा सकती है। इस विधेयक को विधानसभा सत्र में पेश कर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्थापना हिमाचल में की जाएगी। ये सभी उद्योग को मंजूरी देने के लिए स्थापित होगा। अभी तक हिमाचल में सिंगल विंडो अथॉरिटी है, लेकिन इसके तहत मिलने वाली मंजूरी के बाद भी निवेशकों को विभिन्न एनओसी के लिए कई ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को खत्म किया जाएगा और इसके स्थान पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्थापना की जाएगी। ये सभी तरह की मंजूरियां निवेशकों को दिलाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की इस बैठक में कई फैसलों पर भी मुहर लगने की संभावना है। अब खबर राजस्थान से है, जहां बीकानेर में राजकीय डूंगर कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। और इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि आजकल माहौल बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं में ज्यादा बच्चे राजस्थान के जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है क्योंकि हमने शिक्षा पर जोर दिया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि उनकी सरकार छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है, जिससे छात्रों की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा ना आ सके। इस दौरान सीएम ने पेपर लीक मामले में बोलते हुए कहा कि जब पेपर लीक हुआ तो सरकार अलर्ट मोड पर आ गई और तुरंत मामले पर कार्रवाई की। पुलिस ने पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड को पकड़ा और उसे जेल भेज दिया, जिससे साफ है कि हमारी सरकार पेपर लीक करवाने वालों पर और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त है। अगली खबर भी राजस्थान से है, जहां आज राइट टू
हेल्थ बिल के विरोध में पूरे राज्य में मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के समर्थन में सरकारी हॉस्पिटल के सभी रैंक के डॉक्टर्स ने आज पूरे दिन सामूहिक बहिष्कार का निर्णय किया है। दूसरी तरफ सरकार ने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर ली। इस वजह से राज्य में पीएचसी, सीएचसी, उपजिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी सर्विस बंद रहेंगी। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में 15,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और टीचर्स फैकल्टी शामिल होंगी। बता दें कि मेडिकल ऑफिसर और पीएचसी, सीएचसी के डॉक्टर्स यूनियन अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने पहले से ही 29 मार्च को कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। अब इनके समर्थन में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स भी आ गए हैं। इसमें सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रैंक की फैकल्टी शामिल है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने पीएम का आभार जताते हुए कहा कि अब जल्द ही उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना आकार लेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले साल इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 90% अंशदान केंद्र सरकार और 10% अंशदान राज्य सरकार को देना होगा। गौरतलब है कि इस परियोजना का ब्लू प्रिंट साल 1975 में खींचा गया था। 1981 तक वहां बैराज और नहर के कार्य हुए, लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो पाया, जिसका काम जारी है। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां आज से 3 दिनों तक G20 के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक होगी। 3 दिवसीय बैठक में समूह देशों के सैकड़ों प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव वाले नवाचार, अत्याधुनिक तकनीक, नैनो उर्वरक के उपयोग पर चर्चा करेंगे। और इस दौरान 19 देशों के करीब 150 प्रतिनिधि चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। G20 समिट के दौरान चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन में 30 मार्च को मोटे अनाज का फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसमें देश में पैदा होने वाले मोटे अनाज और इससे लाभ से प्रतिनिधियों को रूबरू कराया जाएगा। सुखना लेक पर गाला डिनर रखा गया है और उसके बाद 31 मार्च को पिंजौर स्थित यादवेंद्र गार्डन में प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर में देश में पहली बार व्हील चेयर टेनिस नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। 30 मार्च तक होने वाले इंदौर टेनिस क्लब में 5 राज्य से खिलाड़ी आए हैं। सिंगल और डबल्स खेल में यहां पर हिस्सा लिया जा रहा है। इसमें 24 खिलाड़ी पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। इस टूर्नामेंट में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर पुडुचेरी से है, जहां मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में राशन की दुकानें फिर से खोली जाएगी, जिसमें चावल, चीनी, गेहूं और छोटे अनाज शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री रंगासामी ने विधानसभा में कहा कि सरकार की मंशा राज्य में राशन की दुकानें खोलने की है। हम राशन की दुकानों में 10 किलो 20 किलो सफेद चावल पहले ही दे चुके हैं और हम दुकानों को फिर से खोलेंगे। 2 किलो शक्कर 2 किलो गेहूं और छोटे अनाज को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। राशन दुकान के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 7 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। आपको बता दें कि राशन विक्रेता दुकानों को फिर से खोलने की मांग कर रहे थे। खबरों में रुख करते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां मद्रास हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ई पलानीसामी ने AIADMK के महासचिव पद की कमान संभाल ली है। इसके साथ ही पार्टी अब उनका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद AIADMK मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और पलानीसामी के समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। पलानीसामी भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करने पार्टी कार्यालय पहुंचे और AIADMK के दिवंगत नेताओं रामचंद्रन और जयललिता को श्रद्धांजलि दी और अपने समर्थकों का आभार जताया। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने अन्ना द्रमुक के 11 जुलाई के आम परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ पन्नीर सेल्वम और उनके सहायकों की याचिकाएं खारिज कर दी थी। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां हैदराबाद में YSRTP नेता YS शर्मिला को पुलिस ने उनके आवास पर कथित तौर पर रोक लिया। पुलिस ने शर्मिला को उस समय रोका जब वो मरीजों की समस्याओं को जानने के लिए
उस्मानिया अस्पताल जा रही थी। रोके जाने के बाद शर्मिला के समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद शर्मिला अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गई। वहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को दफन कर दिया गया है और केसीआर विपक्ष की आवाज को बेरहमी से कुचल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से तेलंगाना में केसीआर सरकार के अत्याचार का संज्ञान लेने की अपील करती हूँ। खबरों में रुख करते हैं कर्नाटक की ओर, जहां पर बंजारा और भूवी समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य सरकार के आंतरिक आरक्षण के ऐलान के बाद समुदाय के लोग सड़कों पर हैं, जिससे कई इलाकों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने शिवमोगा शिकारीपुरा राजमार्ग को घेर रखा है और बम्बई सरकार के खिलाफ नाराजगी दिख रहे हैं। इससे पहले 27 मार्च को आंतरिक आरक्षण का विरोध करते हुए दोनों समुदाय के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के ऑफिस और घर पर पथराव किया था। बता दें कि बम्बई सरकार ने आंतरिक आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के अंदर अलग अलग उपजातियों को विशिष्ट कोटा आवंटित किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें कम आरक्षण दिया जा रहा है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय G20 IWG की बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक का विषय है कल के शहरों का वित्त पोषण समावेशी, लचीला और टिकाऊ है। इस बैठक में भविष्य के शहरों के निर्माण की दिशा में होने वाले निवेश को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा। साथ ही समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए सभी सदस्य देश अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। बैठक में वैश्विक समूह के लिए सामूहिक भागीदारी पर भी विचार किया जाएगा। अगली खबर ओडिशा से है, जहां भुवनेश्वर में दक्षिणी नौसेना कमान ने सेरिमोनियल पासिंग आउट परेड का आयोजन किया, जिसमें भारतीय नौसेना के 273 महिलाएं सहित कुल 2585 अग्निवीर INS चिल्का ओडिशा के पोर्टल से पास आउट हुए।